हेलो फ्रेंड्स, तो ये है जेड डायनेस्टी का फर्स्ट पार्ट। काफी लोग इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फाइनली ये मोस्ट अवेटेड सीरीज अब रिलीज हो गई है। तो बिना देर किए चलिए देखते हैं इस अमेजिंग स्टोरी को, और इसकी और एपिसोड्स देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये एपिसोड कौमियो नाम के गाँव से शुरू होता है, जहाँ हम शाओफेन और लिन नाम के लड़कों को फाइट करते हुए देखते हैं। शाओफेन लिन को बहुत बार चैलेंज कर चुका है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। बाकी बच्चे भी उसका खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन शाओफेन हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर लिन को एक सबक सिखाना चाहता था। ऐसे ही लड़ते हुए वो गांव से निकलकर एक टेंपल में आते हैं और शाओफेन लिन को एक बार फिर चैलेंज करता है। लिन उसे समझाता है कि अब तक तुम मुझसे 97 टाइम्स हार चुके हो, लेकिन शाओफेन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक दूसरे से फिर भिड़ जाते हैं। लिन उसे हार मानने का एक और मौका देता है, लेकिन शाओफेन गुस्से में उसकी तलवार को दूर उछाल देता है। ये देखकर लिन और अग्रेसिव हो जाता है और शाओफेन को एक पिलर से लगाकर उसका गला दबाने लगता है। इससे शाओफेन का दम घुटने लगता है, लेकिन लिन की आंखों में तो जैसे खून सवार था। और तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है, बाकी बच्चे डरकर वहां से भाग जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे लिन शाओफेन को जान से मार डालेगा। लेकिन तभी एक मॉन्क पीछे से आकर लिन को शांत कर देता है। लिन को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कर रहा था, और उसे शाओफेन की चिंता होने लगती है। तब वो मॉन्क, जिसका नाम पूजी है, उन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने को कहता है और बताता है कि तुम्हें अपने टैलेंट्स का सही यूज करना चाहिए। वो शाओफेन से कहता है कि हार मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, और अगर मैं टाइम पर ना आता तो आज तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लिन को लगता है कि ये शायद कोई सन की मॉन्क है, और वो शाओफेन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे शाओफेन उस मॉन्क से बहुत इम्प्रेस्ड है। उस रात मौसम अचानक से बहुत खराब हो जाता है, और अपनी मॉम के मना करने के बावजूद शाओफेन मॉम पूजी के लिए कुछ खाना लेकर जाता है। पूजी भी मौसम में आए बदलाव को नोटिस करता है और समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी हम गांव में एक डार्क पावर को देखते हैं, जिसे शाओफेन के साथ साथ पूजी भी नोटिस करता है, और पता चलता है कि वो लिन को उठाकर अपने साथ ले जा रही थी, जिसे पूजी बचा लेता है। पूजी उस डेविल की स्किल्स की तारीफ करता है और पूछता है कि तुम इनका यूज इस बच्चे पर क्यों कर रहे हो, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि एक सेंटापीड लिन से निकलकर उसके कपड़ों में आ गया है। इधर वो डेविल स्मोक से निकलकर पूजी पर अटैक करने आता है और पूजी लिन को सेफ रखने के लिए साइड में बिठा देता है। आगे हम उन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, जहां वो डेविल अपना पॉइजन ब्लड फ्लैग लगाता है और पूजी कहता है कि ऐसी डार्क पावर यूज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पूजी अपने स्पेल से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि अचानक से उसका शरीर कमजोर हो गया है, और तभी उसकी नजर उस सेंटापीड पर पड़ती है, जिसका पॉइजन उसके शरीर में फैलने लगा था, और वो समझ जाता है कि ये डेविल यहाँ उसी के लिए आया है। डेविल कहता है कि ये समझने में तुमने बहुत देर कर दी, और अपने पंच से पूजी को दूर उछाल देता है। फिर वो उससे किसी डिवाइन ऑर्ब के बारे में पूछता है और कहता है कि वो देकर तुम अपनी जान बचा सकते हो, लेकिन पूजी ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि ऐसी खतरनाक पावर वो उसके हाथ में नहीं देना चाहता। तब डेविल उसे अपनी मौत को गले लगाने को बोलता है, और हम देखते हैं कि फ्लैग से उसका ब्लड मॉन्स्टर निकल आया है। पूजी भी अपनी बची कुची पावर से उसे रोकने का प्लान करता है, और पता चलता है कि शाओफेन भी ये सब देख रहा है। इधर पूजी अपना सिक्स करेक्टर मंत्र एक्टिवेट करता है, और उसकी और ब्लड मॉन्स्टर की पावर आपस में टकरा जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर इस डिवाइन स्किल्स का सामना नहीं कर पाता और स्मोक में बदलकर नष्ट हो जाता है। डेविल कहता है कि तुम्हारी पावर तो वाकई नेक्स्ट लेवल की है, जो घायल होते हुए भी ब्लड मॉन्स्टर का सामना कर लिया। और इस पर पूजी कहता है कि चाहे आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर वो डेविल हंसने लगता है, और तभी पूजी एक बीट से उसके मास्क को तोड़ डालता है और कहता है कि तुम जैसे शैतान का चेहरा सबके सामने आना चाहिए। ये देखकर डेविल को बहुत गुस्सा आता है, और वो कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो लो मैं तुम्हें मौत का असली चेहरा दिखाता हूँ। ये कहकर वो अपनी तलवार निकालता है, जो आसमान से इलेक्ट्रिक और लाइटनिंग शॉक एब्जॉर्ब करने लगती है, और पूजी समझ जाता है कि ये तो किंग यूनसेक की पावर्स हैं। फिर वो डेविल उस अटैक को पूजी की ओर डायरेक्ट करता है, लेकिन पूजी की एनर्जी शील्ड उसे रोक लेती है, और इससे निकली शॉक वेव से डेविल के साथ साथ शाओफेन भी उछलकर दूर जा गिरता है। डेविल के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता, और पूजी की हालत भी बिगड़ने लगती है।
आगे हम देखते हैं कि वो शाओफेन को भी लिन के पास ले आया है और इस बारे में सोचता है कि कैसे वो इन बच्चों को सेफ रख सकता है। तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर जाती है और वो देखता है कि सेंटरपीट का जहर तेजी से फैल रहा है, जहाँ उसे अपने दोस्त डॉक्टर घोस्ट की याद आती है, जिसने एक ऐसी पिल दी थी जो उसकी लाइफ को 3 दिन बढ़ा सकती है, और वो कुछ सोच कर उसे निगल जाता है। फिर वो शाओफेन की इंजरीज चेक करता है जो शॉक वेव से घायल हो गया था, और अपनी हीलिंग पावर से उसे ठीक करने लगता है। शाओफेन उसे लिन के बारे में पूछता है, जिस पर पूजी कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और सुबह होते ही ये होश में आ जाएगा। फिर वो शाओफेन से यहाँ आने का कारण पूछता है और वो बताता है कि मैं तो यहाँ आपके लिए खाना लेकर आया था। पूजी समझ जाता है कि किस्मत ही शाओफेन को यहाँ लेकर आई है, और तब वो उसे बताता है कि मेरे पास कुछ अमेजिंग लाइफ स्किल्स हैं, जिसे सीखकर तुम्हारी लाइफ और बेहतर हो जाएगी और ये तुम्हें पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना देगी। शाओफेन इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पूजी कहता है कि पहले तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉमिस करने होंगे। पहला प्रॉमिस तो ये है कि वो इसके बारे में किसी से बात नहीं करेगा, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी नहीं, और शाओफेन भी इसके लिए एग्री हो जाता है। दूसरा प्रॉमिस है कि इनकी प्रैक्टिस दिन में सिर्फ एक बार ही करनी होगी, और वो भी सिर्फ रात के टाइम पर, ताकि बाकी लोगों को इसकी खबर भी ना हो, और शाओफेन उसकी ये बात भी मान जाता है। फिर पूजी उसे तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त बताता है कि तुम इन स्किल्स का यूज तब तक नहीं करोगे जब तक कि बात जीने और मरने पर ना आ जाए। शाओफेन ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन कहता है कि मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। पूजी ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरे पास बस 3 दिन का समय है, और अगर तुम्हें आगे मदद की जरूरत पड़े तो तुम मेरे दोस्त डॉक्टर घोस्ट के पास चले जाना और उसे बताना कि टियानियन टेंपल से मॉन्क पूजी ने तुम्हें भेजा है। आखिर में वो उसे एक मिस्टीरियस ऑर्ब देता है और कहता है कि इसे तुम्हें संभाल कर रखना होगा, और जब तुम्हें लगे कि तुम सेटल हो गए हो तो इसे किसी पहाड़ी से नीचे फेंक देना। वो इसे भी एक सीक्रेट रखने को कहता है और बताता है कि आज से हमारी किस्मत एक साथ जुड़ गई है और शायद अब हमारी मुलाकात आफ्टर लाइफ में होगी। वो उसे घुटनों पर बैठकर खुद को ग्रीट करने को कहता है और बताता है कि आज से तुम मुझे मास्टर बुला सकते हो। शाओफेन भी उसका अच्छे से सम्मान करता है, और फिर पूजी उसे अपने साथ प्रैक्टिस में ले जाता है। सुबह हम लिन को होश में आते हुए देखते हैं, और उसकी नज़र टेंपल के बाहर बैठे शाओफेन पर जाती है। वो उसे नींद से जागने को बोलता है और देखता है कि वो तो किसी मास्टर को याद कर रहा है। तभी अचानक उसे ठंड लगने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँच गया। शाओफेन भी अनजान बनने का नाटक करता है और कहता है कि शायद हमें वापस घर चलना चाहिए, लेकिन गांव की ओर देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है, और तभी उन्हें अंकल वैंग आते हुए दिखते हैं। वो दोनों वहां उनसे बात करने जाते हैं, लेकिन वैंग उन्हें देखकर चिल्लाने लगता है कि तुम लोग भी उस डेविल के ही दोस्त हो। लिन उसे शांत करने की कोशिश करता है और शाओफेन गांव को चेक करने जाता है। वो देखता है कि गांव के सब लोग मरे पड़े हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी ने वहां बहुत तबाही मचाई है। तभी कुछ देखकर वो चौंक जाता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।